तरह बोर हो रहे हो घर पे बैठे हुए, अपनी जो भी बाइक है या कार को जो है बाहर लेके नहीं जा सकते हो, घुमा नहीं सकते हो, तो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए झेलना पड़ेगा। हमारी सेहत के लिए अच्छी है ये बात, बट ऐसा है कि हर चीज़ अच्छी नहीं होगी लॉकडाउन के बाद, कुछ चीज़ों पर असर भी पड़ सकता है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री का क्या होगा, इस वीडियो में वही बात करते हैं आपसे। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स ड्राइव। आपको दिख रहा होगा कि एकदम से मैं छत पे आ गया हूँ। वो क्यों आया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में ज़रूरी नहीं है कि सब बेकार हो रहा हो, कुछ अच्छा भी हुआ है, पोल्यूशन कम हुआ है, और यहाँ तक कि जो भी पोल्यूशन 6 साल में हमने नहीं देखा था, यानी कि साफ़ सुथरा आसमान देखा था 6 साल पहले दिल्ली में, तो वो आज हमें देखने को मिल रहा है, थैंक यू टू लॉकडाउन। लेकिन बात ऐसी है कि ऑटो सेक्टर पर हम कॉन्सनट्रेट करते हैं, तो सबको मालूम है BS4 और BS6 के ट्रांजिशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेल्स ड्रॉप हो रही थी। मैन्युफैक्चरर्स की, जितने भी मैन्युफैक्चरर थे, सबकी जो सेल्स थी वो माइनस में जा रही थी। और अब भी जो लॉकडाउन से पहले भी कुछ फिगर्स आई हैं मार्च की, वो भी ये दिखाती हैं कि मारुति जैसी कंपनी की भी 47% माइनस में गई है सेल्स, टोयोटा की 55% तक डाउन गई हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ गया है कोरोना वायरस का ऑटो इंडस्ट्री पे। लेकिन उससे पहले आपको मालूम होगा कि BS4 की रजिस्ट्रेशन 30-31 जो भी मार्च थी, लास्ट थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 10 डेज़ का एक्सटेंशन दिया है आफ्टर द लॉकडाउन, और सिर्फ 10% इन्वेंट्री ही क्लियर करने का बोला है, जो कि दिल्ली में नहीं होगी। दिल्ली में जो भी BS4 की व्हीकल होंगी लॉकडाउन के बाद भी बिक नहीं सकेंगी, और दिल्ली के बाहर जो 10% इन्वेंट्री भी बिकेगी ना, वो 30 अप्रैल तक उनका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट होगा। ये इसलिए उन्होंने अलाउ करा है कि 10 दिन तो हो गए आपके सेल्स के, और बाकी जो है 30 अप्रैल तक जो है स्टॉक, जो कि स्टॉक आपने बेचा होगा, उसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉक है वो इसीलिए ही माना गया सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो FADA ने एक दलील दी थी कि 1 लाख से ऊपर की बाइक्स और लगभग 2250 कारें और 2000 कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो अंडर रजिस्ट्रेशन थी, यानी कि जब बिकी थी वो, तब उसी के बाद सडनली लॉकडाउन हो गया तो वो अंडर रजिस्ट्रेशन रह गई। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सही कि 30 अप्रैल तक आप उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बची हुए स्टॉक हैं 7 लाख बाइकें, 15,000 गाड़ियाँ, 12,000 कमर्शियल व्हीकल, ये भी पूरी तरह क्लियर आउट नहीं हो पाएगा। और जो कंपनीज हैं काफ़ी सारी जिनकी जो भी कार्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, वो जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो एक रास्ता निकाला है कि कुछ जो गाड़ियां हैं वो एक्सपोर्ट्स कर दी जाएंगी, यानी कि कुछ जो गाड़ियां बाहर भेज दी जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें यहां पर बिक सकती हैं। तो ये चीज़ें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बोला है कि आप बेच सकते हो सिर्फ 10% इन्वेंट्री, लेकिन ये बहुत गंदा इफ़ेक्ट डाल सकता है ऑटो इंडस्ट्री पर, क्योंकि हम देखें ये सरासर जो नुकसान है, लगभग एक अनुमान था 12,000 करोड़ तक का ये नुकसान हो सकता है अगर ये इन्वेंट्री नहीं बिकी, और डीलर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्रीज में नुकसान हो सकता है अगर ये जो भी स्टॉक है ये क्लियर नहीं हो पाया। अब आप बोलेंगे कि सबको मालूम था कि BS6 जो नॉर्म्स है 2 साल पहले से ही बोला हुआ है कि 31 जो मार्च है 2020 की वो लास्ट डेट होगी BS4 की लास्ट सेल्स की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैन्युफैक्चरर्स, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर ने 2020 की भी काफ़ी सारी BS4 मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां हुई हैं, तो जो भी गाड़ियां थी वो करी हैं और उन्हें डीलर्स के पास भेजा भी उन्हें सेल्ड आउट करने के लिए, लेकिन ये चीज़ें उनकी गलती थी, डीलर की गलती नहीं थी। तो मैन्युफैक्चर जिन जिन्होंने ये काम करा है उनके स्टॉक तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर के स्टॉक भी क्लियर आउट हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा टू व्हीलर मार्केट पे, जिनकी स्टॉक 7 लाख से ऊपर के स्टॉक बचे हुए हैं उनकी इन्वेंट्रीज में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इनकी इकोनॉमी को लेकर। जो भी डीलर के पास इन्वेंट्री है वो सील्ड हो जाएगी, वो पैसा फंस जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं निकल नहीं सकता। तो ये इम्पैक्ट जो है बुरा पड़ने वाला है मार्केट पे, ऑटो मार्केट पे, जो कि आने वाले टाइम पे लॉकडाउन के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो सकता, ना कि इसकी रिकवरी हो सकती है। और ऊपर से BS4 की जो व्हीकल सेल भी होंगी 10 दिन के बाद, जो भी एक्सटेंशन दिया हुआ है लॉकडाउन खुलने के बाद,
वहाँ पर भी 10% इन्वेंट्री अगर बेचने को जो है उन्होंने बोला है कि आप बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के चक्कर में कितनों के पैसे डूबे, कितनों के बिजनेस जो है रुक गए हैं, उसके बाद भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट भी या कोर्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो है आके गाड़ियाँ लेंगे, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि क्यों ये उन्होंने ये अलाउ करा है और क्यों ये ऐसी चीज़ें उन्होंने सामने करी हैं या अलाउ करी हैं सिर्फ बेचने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो लोग लॉकडाउन से बाहर आएंगे उनके जो भी कमाने के लिए वो देखेंगे कि कैसे कमा पा रहे हैं, कैसा उनका फाइनेंशियली स्ट्रक्चर बिल्डअप हो पा रहा है या रूटीन में कैसे आ रही है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, तो उसके बाद जाके कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाएंगे सबकी सिचुएशन, फिर जाके वो कोई व्हीकल परचेस कर पाएंगे। जिनको ज़रूरी है व्हीकल लेना वो ज़रूर ले पाएंगे, लेकिन जिनको रुक पाएंगे, जो रुक सकते हैं, जिन्होंने अपनी व्हीकल चेंज करनी है या जो देख रहे थे कि हम शायद अपनी व्हीकल को बेच देंगे या उनसे नई व्हीकल ले लेंगे, तो वो लोग भी अभी रुक जाएंगे लॉकडाउन के चक्कर में। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पर मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी होगी लॉकडाउन के बाद। यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस जो भी जजमेंट के बाद या कह सके इस लॉकडाउन के चक्कर में। तो ये यहाँ पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, अगर जो भी सुझाव हो आपको देने हो कमेंट में दिखना हमें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना दूसरे लोगों के साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजस ड्राइव।